हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज से हम लोग एक नए कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पेसिफिकली आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए और डेडिकेटेड रहने वाली। देखिए गाइस, 2023 में आपके सितंबर में, ठीक है, आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लर्क मेंस का हो, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि 40 क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन आजकल आपको दिखाई दे रहे हो एग्जामिनेशन में। और उसी तरीके से हम लोग इस सीरीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने वाले गए, क्योंकि जिस तरीके से 2015-16-17 में आपको फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे, आजकल वैसा पैटर्न आपको नहीं पूछा जा रहा, काफ़ी डिटेल क्वेश्चन बन रहे गए। जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस को पहले 3 से 4 दिनों में ही हम लोग प्रिपेयर करके अच्छी तरीके से स्कोर बना पाते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। और इसीलिए हमने आज से एक आपके लिए नई पहल की शुरुआत की है, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस की हमारी सीरीज होने वाले आज का हमारा सबसे पहला डे वन रहेगा, ओके, जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे कि आपके सितंबर से पहले पूरे 500 प्लस बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के आपके प्रिपेयर हो सके, सो दैट आप जीरो से हीरो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको गाइस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस सीरीज़ को आपके सामने लेके गए। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी जिस तरीके से हमने इस कंप्यूटर अवेयरनेस के आपको क्वेश्चंस बता रहे, इस कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास को हम लोग लाइव भी लेने वाले हैं, ठीक है। अब लाइव का किस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है ये आपको कहाँ पे पता चलेगा, ये आपको कम्युनिटी पेज पे पता चलेगा। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको जो भी हमारे कम्युनिटी पेजेस पे नोटिसेस आती है, इंपॉर्टेंट आरआरबी पीओ कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलता है डेली, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप कम्युनिटी पेज पे जाके सॉल्व कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। और वहाँ पे भी वहीं पे आपको इसके जो लाइव क्लासेस जब भी रहेंगे, जिस दिन भी हमारा लाइव क्लासेस रहेगा, उसका आपका जो नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सो दैट आप उस क्लास को मिस ना कर पाओ और आपके जो डाउट्स है वो आपके क्लियर होते चले जाए, ठीक है। और इसीलिए आपको इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करना होगा टिल योर एग्जामिनेशन और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, साथ साथ सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको काम में आने वाले। सो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर इन अ एमएस वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी टैब को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। देखिए गाइस, काफ़ी कबार हमें ज़रूरत रहती है एमएस वर्ड के अंदर, जो हमारा डिफॉल्ट फॉर्मेट रहता है वर्टिकल पोर्ट्रेट फॉर्मेट रहता है, ठीक है, A4 पेजेस पे, ठीक है। इस पेज लेआउट में क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट के साथ काफ़ी कबार हमें इमेज भी डालनी रहती है, ठीक है। इस पिक्चर को, इस इमेज को डालने के लिए हम लोग कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो है हमारा इंसर्ट टैब गाइस। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको अलग अलग टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, यह हालांकि जो ड्रॉ टैब है यह आपको स्पेसिफिकली ऑफिस 365 में देखने को मिलता है। उसके बाद में डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ठीक है, एक्रोबैट अगर आपको पीडीएफ व्यूअर है, ठीक है, पीडीएफ एलिमेंट ये एक्स्ट्रा का एक्सटेंशन यहाँ पे इंसर्टेड है, ठीक है। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट, ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया, ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको आजकल पूछे जा रहे, हम लोग उसको पहले टारगेट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग सबसे पहले ऑफिस से ही शुरुआत करें, ठीक है, तो आप वैसा भी बताइए कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा हम लोग उसके ऊपर पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और ऑफिस के जितने भी, ऑफिस सूट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली ये टैब्स को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट टैब के अंदर रहता है हमारा पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से आरआरपीओ का एग्जामिनेशन होता 2022 में, हम लोग उसको आप सबसे पहले इनिशियली देख रहे हैं। आज 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सो दैट आपको पता चल सके कि किस तरीके से लेवल था पिछले साल, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। हालांकि काफ़ी हमने इसके पहले भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा के रखे कंप्यूटर अवेयरनेस के, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आजकल एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, ठीक है, इस आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन में। और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, बाकी तो हम लोग फंडामेंटल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 500 क्वेश्चन में, 500 प्लस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस हो जाती है, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया कि विच इज़ द डिफॉल्ट फॉन्ट इन अ एमएस एक्सेल, ठीक है। अभी देखिए, फॉन्ट क्या करता है आपको पता होना चाहिए, फॉन्ट क्या करता है, जिस तरीके से हमने टाइम, ये आपको यहाँ पे एमएस एक्सेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कोचिफाई लिखा जा रहा है, इसके अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है। ये हमें क्या होता है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन चेंज करता है हमारे टेक्स्ट का, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सिव राइटिंग में हमने ए लिख लिया इस तरीके से, या फिर हम लोग इस तरीके से ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से ए भी लिख सकते हो, तो ये क्या होगी, अलग अलग फॉन्ट की
वोलेटाइल होगी, ठीक है। अब एमएस एक्सेल की बात करें, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफॉल्ट जो फंड रहता है, जैसे हमने फर्स्ट अगर मान लो नया एमएस एक्सेल का एक शीट ओपन कर लिया, वर्कबुक ओपन कर लिया, तो इसमें सबसे पहले डिफॉल्ट फंड रहता है कैलिब्री, ठीक है, स्टैंडर्ड फंड है। कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, कौन से टैब में, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए ये होम टैब के अंदर आता है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे जो फंड है, ठीक है, ये हमारा कैलिब्री। एग्जामिनेशन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफॉल्ट फंड साइज कितना है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग हमारे टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, लेफ्ट अलाइन जस्टिफाइड, राइट अलाइन, ठीक है, सेंटर्ड, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है गाइस, और इंपॉर्टेंट है आपको ये सारी चीज़ें जानना। अब देखिए होम टैब के अंदर आता है हमारा टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप आता है जिसके अंदर हम लोग फॉन्ट को सेटअप कर सकते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट है सबसे डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है, कैलिब्री रहता है आपको, टाइम्स न्यू रोमन भी पता होगा, एरियल भी, सेंचुरी, कॉमिक सेंस, एमएस भी है, बट लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर कैलिब्री रहता है, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन यूजेस विच टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए गाइस, बिटकॉइन जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और बिटकॉइन के माध्यम से जो हमारे पास में ट्रांजैक्शंस होते हैं ये पीयर टू पीयर होते हैं, ठीक है। मान लो एक बिटकॉइन किसी को सेंड करना रहा, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन अगर हमें बिटकॉइन सेंड करना रहा, ठीक है, तो इसको सारे नोट्स का अप्रूवल चाहिए रहता है, ठीक है। जब वो अप्रूवल मिल जाता है तभी वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये बिटकॉइन उठा के इस पर्सन बी को सेंड कर दिया, नहीं, इसके कनेक्टेड जितने भी ब्लॉकचेन नोट्स होंगे, पीयर्स होंगे, उनका अप्रूवल चाहिए रहता है, इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये काफ़ी सिक्योर्ड माने जाते हैं इन सारे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। कहीं पे भी इसमें थेफ्ट वगैरह नहीं होता है जनरली, ओके। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, बिटकॉइन जो है, ठीक है, ये हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ओके। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच अल्गोरिदम इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पेजिंग फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा अल्गोरिदम जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग का इस्तेमाल करता है, तो वो है हमारा पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का इस्तेमाल करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन इस साल भी प्योर क्लर्क के एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, आने वाले SSC के CGLS के एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जा रहा है, वो भी आपको उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सिग्नल इमिटेड बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर व्हेन प्रोसेस और एन इवेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा सिग्नल है जो कि हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है और उसको इमीडिएट अटेंशन की यहाँ पे हमारे पास में ज़रूरत रहती है। उसका मतलब है कि वो एक इंटरप्ट ला रहा है, ठीक है, इंटरप्ट ला रहा है, और अगर मान लो कोई एक प्रोसेस चल रही है उसके बीच में अगर हमें एक क्वेरी ऐड करनी है या फिर कोई ऐसा दूसरा प्रोसेस चालू करना है जो कि इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस से ज़्यादा, तो हम लोग उसमें इंटरप्ट ऐड करते हैं। इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं गाइस, एक तो रहता है हमारे पास में हार्डवेयर और दूसरा रहता है हमारे पास में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट में भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर वाला एक दूसरा हो गया और एक हो गया हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर में एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से दो प्रकार के रहते हैं, पहला रहता है मास्केबल और दूसरा रहता है नॉन मास्केबल। अब देखिए नॉन मास्केबल को ही स्पूरियस इंटरप्ट भी कहते हैं, इसके जो अल्टरनेट नेम है इसलिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर आपको चार्ट बताया, बाइफर्केशन बताया, सो दैट आप इसके अल्टरनेट नाम भी आपको पता कर सको। एग्जामिनेशन में ऐसा क्या होता है, आजकल IBPS जो पेपर सेट करता है वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे देता है और पूछता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, वन इज़ अ हार्डवेयर एंड अनदर इज़ अ सॉफ्टवेयर, एंड इन हार्डवेयर इंटरप्ट देर आर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और वहाँ पे कॉमा लगा के पूछा जाता है हियर नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज नोन एज, तो वहाँ पे आपको स्पूरियस इंटरप्ट, स्पाईवेयर इंटरप्ट, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। हम लोगों को सारी चीज़ें पता होते भी इस तरीके से ऑप्शन हम लोग मार्कअप नहीं कर सकते, यही हमें टारगेट है कि इन सारे 500 क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर सके, सो दैट आप लोग अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कस कर सके, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरप्ट गाइस। और हाँ, एक जो हमारे पास में एक EPFO या कोई तो भी एक एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था गाइस, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, तो वहाँ से भी एक ही क्वेश्चन, जिस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, 20 में से हमने जितने पढ़ाए थे 19 क्वेश्चन एज इट इज स्टूडेंट अटेम्प्ट करके, लेकिन एक ही क्वेश्चन जो था, ठीक है, जो टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर है, वो काफ़ी कम लोगों ने अटेम्प्ट करके है, लेकिन इस तरीके से भी हम लोग ट्राई करेंगे कि वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ सके, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट ऑपरेटिंग फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा एक फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक मेजर एडवांटेज रहता है कि रिसोर्सेज जो है शेयर किए जाने के कारण जो उसका कंप्यूटेशन है काफ़ी फास्ट रहता है और ड्यूरेबल रहता है। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर भी दिखाई दे रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, उसके रिसोर्सेज जो है शेयर किए जाने के कारण हमारा जो कंप्यूटेशन है वो काफ़ी फास्ट रहता है और ड्यूरेबल रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कि इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि फास्ट रहती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो आपको अलग अलग चार से पांच प्रकार के कारण दे सकते हैं इस तरीके से, और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तब इसका कारण मेजर क्या है कि रिसोर्सेज शेयर होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो वो आपका इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी के जो आपको हमने एडवांटेजेस बताया वो आपको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना गाइस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सर्वर प्रोटेक्ट्स वेब सर्वर फ्रॉम अटैक्स एंड कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बेनिफिट, इसमें से कौन सा सर्वर वेब सर्वर को ही प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। देखिए, रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, ठीक है, जो रिसोर्सेस रिटर्न होते हैं क्लाइंट के पास, ठीक है, वो इस तरीके से अपीयर होती है कि जैसे वो मान लो वेब सर्वर से ही हमारे पास में आए हुए वो, ठीक है, इसके कारण जो हमारे पास में ओरिजिनल सर्वर है, ठीक है, इसमें जो है वो लोडिंग कम होती है और ये हेल्दी वर्किंग में रहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है, ठीक है, ये स्टैटिक कंटेंट का कैशे भी रखता है और जिसके कारण जो हमारा लोड है इंटरनल सर्वर्स के ऊपर, इंटरनल नेटवर्क के ऊपर, वो हमारा कम रहता है और इसके कारण वो हेल्दी कंडीशन में वर्किंग में रहते हैं और जिसके कारण हमारे पूरे सर्वर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम अटैक्स और पर उसका रिलायबिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। अब आप देख सकते हो, अगर इस साल से अगर आपने प्रिपरेशन शुरू किया होगा तो आप देख सकते हो गाइस किस तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसीलिए आपको इसी तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में से, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हम तो 40 में से 40 क्वेश्चन आ सके, लेकिन एटलीस्ट आपके 38 क्वेश्चन तो भी एक्यूरेट आ सके, जिसके कारण आपका अच्छा स्कोर बनेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको हाफ मार्किंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस का जो यूज़ करता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में डेटा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ना कि बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं, बायोसिंथेसिस भी नहीं, बायोसाइंस भी नहीं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम लोग उसको करेक्ट आंसर मार्कअप करेंगे। ठीक है, काफ़ी सिमिलर से मिले जुले से हमको आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको इससे बच के रहना है और इसी तरीके से आपको एक्यूरेट आंसर मार्क करने गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक रिपीटर में कौन सी कैपेसिटी होती है। देखिए, एक वाईफाई रिपीटर क्या कहता है, मान लो आपका इस तरीके से घर, ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर आपने वाईफाई लगा के रखा है, यहाँ पे मान लो अलग अलग रूम्स है, ठीक है, इस तरीके से, ओके, यहाँ पे एक कॉर्नर में आपका रूम है। ठीक है, काफ़ी कबार देखा होगा आपने कि अगर आपका जो घर काफ़ी बड़ा रहता है, इसमें लेंथ काफ़ी बड़ी रहती है और जो वाईफाई राउटर है एक कॉर्नर में रखा होने के कारण यहाँ पे जो सिग्नल है वो काफ़ी वीक हमें देखने को मिलते हैं, उसका प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे जो है सेंट्रली एक वाईफाई रिपीटर लगाया जाता है। ये क्या करता है, यहाँ से वाईफाई सिग्नल रिसीव करके उसको रीट्रांसमिट करते हैं सो दैट उसकी सिग्नल को बूस्ट मिल सके। ठीक है, इसलिए उसमें रीजनरेटिंग कैपेसिटी रहती है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वाईफाई रिपीटर के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। ठीक है, और हाँ, ये WPS की बटन क्या रहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी कबार ये WPS इस तरीके से वाईफाई हमारे पास जो वाईफाई सिस्टम्स रहते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोकेमॉन गो ये जो हमारा गेम था, काफ़ी पॉपुलर सा गेम था गाइस, ठीक है, ये कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ये है हमारे ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो एप्पल की डिवाइसेस है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, इसमें लाइडार सेंसर आता है। ये क्या करता है कि अगर मान लो यहाँ पे खाली टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपका खाली टेबल है, अगर आप इसमें आईफोन या फिर आपका जो आईपैड वगैरह है पर्टिकुलर, यहाँ पे इसको इस टेबल के ऊपर, इस खाली टेबल के ऊपर आप प्रोजेक्ट करते हो कैमरा ओपन करके, तो यहाँ पे आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो, कुछ तो भी, कोई भी आप इसमें गेम्स खेल सकते हो। तो ये किसके टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। अभी आप जिस तरीके से पोकेमॉन गो देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ग्रास खाली होने के बावजूद भी यहाँ पे उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं, एक वर्चुअल जो है, वर्चुअल हम लोग इसमें कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा पोकेमॉन गो बेस्ड था, ठीक है, जो था ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर्स आर देयर इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर कितने प्लेस होल्डर्स रहते हैं, वो रहते हैं दो। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो प्लेस होल्डर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड में क्या होता है गाइस, काफ़ी कबार अगर आप इसमें नया स्लाइड अप ऐड करते हो तो यहाँ पे इसमें टेक्स्ट ऐड होता है, और दूसरी जगह जो है हमें एक मल्टीपल प्लेस होल्डर हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को 6 अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ई विच इज़ ट्रू, बट यहाँ पे 6 अलग अलग टाइप के प्लेस होल्डर्स भी देते, जैसा भी है जिसके अंदर हमारे पास मीडिया क्लिप रहती है, क्लिप आर्ट रहता है, चार्ट्स होता है, डायग्राम होते हैं, टेबल और टेक्स्ट हम लोग ऐड अप करेंगे, ठीक है। ये हम लोग पावर पॉइंट का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग पर्टिकुलरली ये डिस्कस करेंगे प्लेस होल्डर्स के बारे में, किस तरीके से इसका लेआउट होता है। आपने देखा होगा कि मास्टर स्लाइड्स भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे इसके पहले भी 2021 वगैरह में, ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लाइड मास्टर क्या होता है, ठीक है, वो भी हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ई विच इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसए का फुल फॉर्म पूछा गया था। ऐसा एक ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है गाइस डेफिनेटली, ओके, जहाँ पे आपको फुल फॉर्म एब्रिवेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज व्हेन द डिवाइस गोज इनटू पैसिव मोड और लो पावर कंजम्पशन मोड, ठीक है। जो स्लीप मोड रहता है गाइस, स्लीप मोड में क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कंप्यूटर को आप जैसे शट डाउन करते हो, तब उस केस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक तो होता है स्लिप, दूसरा होता है शटडाउन और तीसरा होता है रिस्टार्ट। स्लिप ऑप्शन में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर को पैसिव मोड में या फिर लो पावर कंजम्पशन मोड में आप डाल सकते हो, और सिस्टम बंद नहीं होती है कम्प्लीटली, सिस्टम ये लो पावर मोड पर चले जाते हैं, ताकि जब भी आप इसका एस्केप के बटन दबाओ या फिर कोई भी आप माउस से फिर कर्सर को या फिर स्पेस बार के अगर बटन दबाते हो, ठीक है, तो वो जो है स्लिप से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। स्लिप से बाहर जिस तरीके से निकल के आ जाता है तो वो प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आता है। अगर हम लोग फिर से स्लीप में डाला तो मान लो कि जस्ट आप इस कंप्यूटर को एक पैसिव मोड में, लो पावर कंजम्पशन मोड में डाल लो इंस्टेंट रिट्रीवल के लिए, मतलब क्या क्विकली आप उसको शुरू कर सकते हो, क्विकली आप बंद कर सकते हो, क्योंकि शटडाउन अगर आप कर लेते हो तो कंप्लीटली सिस्टम ही आपका बंद हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, ठीक है। मान लो अगर आपने कोई फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हो, अगर आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है या फिर 1 आवर का ब्रेक लेना है, ठीक है, बट होता है क्या कि अगर काफ़ी टाइम से अगर मान लो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद अगर आपको स्लिप रखा तो स्लिप में रखना, तो वो काफी कबार क्या है हाइबरनेशन मोड में भी चला जाता है, ठीक है। हाइबरनेशन मोड में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है, वो भी एक हमारा टाइप है, ठीक है। जो हमारी सिस्टम है, ठीक है, वो पॉज मोड पे आ जाती है अगर हम लोग उसको स्लिप मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद क्या है, कंप्लीट पूरा शट डाउन होता है, पूरे रिसोर्सेज फिर से अगेन शुरू हो जाते हैं, शट डाउन करने के बाद हमारा सिस्टम ही पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए मैं अभी से आपको गाइड कर रहा हूँ गाइस, क्वेश्चन की जो लेंथ रहेगी वो आपकी काफ़ी बड़ी रहेंगी, उसको आपको समझना पड़ेगा, और ऑप्शंस की भी लेंथ आपकी बड़ी रहेंगी, उसको भी आपको समझ के आंसर करेक्ट मार्क करना पड़ेगा, यही आजकल का पैटर्न हो चुका है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ऐसा क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, तो वो था हमारा हनीवेल 6000, ठीक है। आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इस एक तो उसके एग्जांपल हो या फिर उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हनीवेल 6000 जो है, ठीक है, इस सीरीज का कंप्यूटर हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सीरीज में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस एक्सेल 2007। अब देखिए आप देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर ही हो चुके हैं, तो आपको ये पढ़ना जरूर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट्स ग्रुप कहाँ पे पता करते हैं, तो चार्ट्स ग्रुप रहता है हमारे इंसर्ट टैब के अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर रहता है हमारा चार्ट्स ग्रुप, ओके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हालांकि मेन्यूज में, ठीक है, लेकिन इंसर्ट में भी आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप के चार्ट्स का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, ये हमने काफ़ी कबार रेगुलर सेशन के अंदर भी कर चुके थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब होता है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, ईमेल को सेंड करने के लिए हम लोग इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है गाइस, प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स जिसमें हम लोग डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स भी होते होंगे इनके लिए, ठीक है, कि जिस तरीके से आपको, ठीक है, मान लो प्रोटोकॉल इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो और उसके अंदर कोई आपको डेटा ब्रीच ना मिले या फिर कहाँ पे हमें अटैक ना हो सके हमारे ईमेल्स के ऊपर, कुछ प्रॉपर सिक्योर्ड वे में हमारा डेटा ट्रांसफर हो, एनकोडिंग हो, प्रॉपर डिकोडिंग हो। एनकोडिंग मतलब क्या, कि जैसे हमने यहाँ पे मान लो लिखा ABC, तो उसका जो एनकोडिंग करने के बाद इसका जो कन्वर्जन है हमारा कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, ये एनकोड हो गया। इसको भी फॉर अगर हम लोग डिकोड करना रहा तो यहाँ पे इस मैसेज को, इस सीक्रेट मैसेज को हम लोग डिकोड करेंगे तो यहाँ पे हमें ABC फिर से दिखाई देगा। तो ये क्या होते हैं मल्टीमल्टी, ये होते हैं हमारे पास में प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। किस तरीके से हमारे पास एनकोडिंग डिकोडिंग हो रही है, उसके जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसके जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, ये हम लोग जनरली ईमेल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए गाइस, आपको बताना चाहते हैं, अगर आप RRB PO और क्लर्क को टारगेट कर रहे होगे तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। हम लोग करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो करंट अफेयर्स के मामले में माध्यम से आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, जो करंट वाला, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो हमारे दो काफ़ी पॉपुलर से बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन है, इसका बैंकिंग अवेयरनेस 3.0 भी आपको जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको उसको देखना है और उसकी आपको ई बुक्स भी चाहिए, तो ये सेशन सारे फ्री अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। इसको आप जाके देख सकते हो, और इसका अगर ई बुक चाहिए तो आप हमारे कोचिफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसका ई बुक भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि हमारे पास पूछा गया है, हालांकि ये पिछले साल ही, कि 65 का ASCII वैल्यू क्या है। 65 इज द ASCII वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये हमारे लेटर ए की। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से इसको ध्यान में रखना होगा, ASCII का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, काफ़ी कबार पूछा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 65, ठीक है, यहाँ से लेटर कैपिटल लेटर ए से शुरू होता है। 65 से लेके हमारे पास कहाँ तक है, ठीक है, ओके, यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ए, राइट, ए बी सी डी ई, ठीक है। एफ से लेके फिर हमारे पास में जेड डब्ल्यू तक है यहाँ पे, करेक्ट, ये हमारे पास 87 से। उसके बाद में हमारे पास कहाँ से चालू होता है, ठीक है, उसके बाद ए चालू होता है हमारे पास में 97 से, ओके। वहाँ से लेके हमारे पास स्मॉल लेटर्स में हमारे पास W तक 119 तक है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टेबल का फंडामेंटल चार्ट ध्यान में रखना होगा, कहाँ से शुरुआत होता है, सो दैट आप उसको काउंट करके भी देख सके। काफ़ी रेयर क्वेश्चन ये बनता है एग्जामिनेशन में, लेकिन ये पूछा गया था, ठीक है। ये कैरेक्टर जीरो का क्या है, 48, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको फिर से ऑफिस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा गाइस। रेड लाइन जो होती है एमएस वर्ड के अंदर, ये क्या शो करती है, ये हमारा स्पेलिंग एरर बताती है गाइस। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉलोइंग का जो स्पेलिंग है गलत है, FOLLOWY एक ही एन चाहिए था, लेकिन इसने क्या डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे डबल एन आ चुका है, इसलिए इसके अंदर क्या किया, इसने रेड लाइन ऐसी लगा दी, ठीक है। ये क्या हमें बताया था कि इसमें स्पेलिंग का आपका एरर हो चुका है, ठीक है। ये अभी तक चार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे ऑफिस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग ऑफिस जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो गाइस कि ऑफिस से ही हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करें, तो वो भी हम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम करके बताइएगा, सो दैट मैं आपको उसका भी सेशन प्रोवाइड करा दूंगा इंडिविजुअली, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमॉन्ग दिस इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज विच वॉज फाउंडेड इन 1996 में जो फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज थी, उसका नाम था हॉटमेल, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, बाइनरी आता है, ऑक्टल आता है, डेक्सिमल आता है, हेक्साडेसिमल भी आता है, लेकिन कैश है, कोई भी हमारे नंबर सिस्टम का टाइप नहीं है, ठीक है, ये हमारा टाइप ऑफ मेमोरी है। और अगर आपको नंबर सिस्टम के कन्वर्जन जानना होगा, तो काफ़ी पॉपुलर सा सेशन है गाइस, जिसमें आपको एनी बेस टू एनी बेस एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो आप इसको जाके जरूर वॉच कीजिएगा। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, या फिर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, ऐसे कोई भी आपको कन्वर्जन आपको किस तरीके से करना है, इस सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया। 10 से 15 मिनट का सेशन है, आप जाके उसको अच्छी तरीके से समझ के आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक सेशन गाइस, आज का डे वन का। एक नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल कोचिफाई और कोचिफाई को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा गाइस, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। जो रिसेंट सेशन हमने आपके सब डिस्कस किया, यहाँ पे उसको जाके क्लिक करके वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।